फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई वेज मंचूरियन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बॉल्स तैयार करनी होगी, मंचूरियन बॉल्स। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। इसके लिए सबसे पहले एक बॉल में हम ग्रेटेड कॉलीफ्लावर लेंगे, मैं इसे पत्ता गोभी से नहीं बनाती हूँ। फिर इसमें चॉप्ड 1 कप चॉप कैरेट डालेंगे, 2 चॉप्ड ओनियन डालेंगे, आप ग्रेट भी कर सकते हैं और चॉप भी कर सकते हैं ना। 1 चॉप कैप्सिकम डालेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑल पर्पज फ्लोर मैदा लेंगे और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आपको कम लगता है तो आप और मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। इतना डालना है कि हमारी बॉल आसानी से बन जाए। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल तैयार करेंगे। थोड़ा सा डो लेंगे और बॉल बनाते चले जाएंगे। हमारी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और गरम कर लिया है। अब इसमें 1 by 1 डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। हम इन्हें अलट पलट करके सारी साइड सेक लेंगे इसकी। अब हमारे मंचूरियन बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब इन्हें पेपर नॉपकिन पर निकाल लेंगे। इसी तरह हमने अपनी और बॉल्स भी रेडी कर लेंगे। अब हमारी बॉल्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया है और 1 टीस्पून चॉप गार्लिक डालेंगे, चॉप जिंजर डालेंगे, 1 ग्रीन चिली डालेंगे चॉप, इन्हें सौते कर लेंगे। फिर इसमें 1 चॉप्ड ओनियन डालेंगे और 1 कप चॉप्ड वाइट स्प्रिंग ओनियन डालेंगे। फिर इसमें ग्रीन पोर्शन डालेंगे ओनियन का। अब हम इन्हें सौते कर लेंगे। फिर इसमें हम 1/4 कप चॉप बीन्स डालेंगे, ये ऑप्शनल है। फिर इसमें 1/4 कप चॉप कैरेट डालेंगे, 1 चॉप कैप्सिकम डालेंगे और इन्हें सौते करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून देगी मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, 2 टीस्पून टमाटो केचप डालेंगे, 2 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे। फिर इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के उसे ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर को इसके लिए पानी में घोल लिया था मैंने और इसमें मिला दिया। अब 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे और इसे चला लेंगे। अब हम इसमें अपनी मंचूरियन बॉल्स जो हमने फ्राई करी थी वो मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि मसाला इन पर लग जाए अच्छे से। फिर हम इसे चॉप्ड स्प्रिंग ओनियन डालेंगे इसमें और थोड़े से रोस्टेड तिल भी डाल सकते हैं आप इसमें, ये भी ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी मंचूरियन बॉल्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।